कार के बारे में बताइए कि क्या आप बताइए आपको अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा मुझे आप बताइए देन आई विल टेल यू जैसे आप देख रहे हैं बहुत कंफर्टेबल है एंड इट्स लिटिल सेक्सी आल्सो इट हैज अ स्लिट एंड ऑल इन द आउटफिट जो फैब्रिक है बहुत ही कंफर्टेबल है मैं रियल लाइफ में मैं सिंथेटिक टोटली अवॉइड करती हूँ आई ट्राई की फिल्म्स में भी अवॉइड करें बट कभी कभी नहीं होता है बट इट्स वेरी कंफर्टेबल इट इज़ हैंडमेड बाय दीज क्राफ्ट्समैन इन ओरिसा एंड व्हेन शी टोल्ड मी दैट आई वाज लाइक दिस कीपिंग आवर इंडियननेस वेरी इंटैक्ट द ज्वेलरी आई हैव इज वेरी वेरी कूल ऑल्सो इफ यू सी द मोटिव्स आई हैव ऑन माई ईयर एंड द डिटेलिंग इनटू इट द क्वर्कीनेस रियल लाइफ में मुझे पसंद है क्वर्की ज्वेलरी पहनना कुछ अलग ये क्ले से बना हुआ है वन ऑफ अ काइंड है सो लाइक सॉरी हाँ जी मैं मॉडल नहीं हूँ और मैंने मॉडलिंग नहीं की है एक्ट्रेस बनने से पहले सो इट वॉज द फर्स्ट वेन आई हैड वॉक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ शो स्टॉपर आई हैड रिमेंबर आई वाज लाइक ओह इट गेट्स ओवर सो फास्ट लाइक यू जस्ट गेट ऑन स्टेज यू वॉक एंड इट्स ओवर बट आई वॉक्ड अ कपल ऑफ टाइम्स नाउ एंड इट्स क्वाइट फन Since I've not been a model before, it's a new experience. And if you're the showstopper, koi daatta nahi hai aapko. You can walk however you want, wherever, do whatever you want. So, kitna time laga khud ko ready karne mein, khud ko taiyar karne mein, walk karne mein? Walk karne ke liye bilkul time nahi hai because you reach there and they say go, 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 go. And there's so much like excitement going on backstage. There's hustling and people are changing fast into outfits and all. So, prepare waise nahi karte. Sirf walk karke aana hai with like. Divaish expressions, so it's like playing another character, I guess. Yeah, okay. जैसे ट्रेलर को भी काफी पसंद किया जा रहा है आपके कमांडर yes. कमांडर को कितना एक्साइटेड है कितना नर्वस है उसके बारे में थोड़ा बताइए दैट्स व्हाई जस्ट द ट्रेलर हम लोगों को इतना फीडबैक मिल रहा है और लोग पीपल आर गेटिंग सो एक्साइटेड विद जस्ट दैट कल हमारा फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हो रहा है जिसके लिए मेरे बाल लाल हम लोग ने कलर किए थे वो फिल्म में नहीं है इट्स अ प्रमोशनल वीडियो ऑफ द फिल्म सो दैट्स अ रीमिक्स ऑफ हरे राम हरे कृष्णा So I can't wait for people to watch that song. I think that's turned out really nice. एक और गाना है जो लद्दाख में शूट किया था वो रोमांटिक सॉन्ग है वो आई थिंक अगले 10 डेज में रिलीज होगा बट आई फील कि जस्ट ट्रेलर के साथ एंड मैंने सिर्फ वो एक लाइन का है वो हैदराबादी एक्सेंट के साथ पीपल हैव गिवन अस सो मच फीडबैक नाउ आई एम वेटिंग देवेंद सर और मैं रुके थे बिकॉज अभी फुल फिल्म में मैं वैसे बात करती हूँ सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी लोग मीम्स बना रहे हैं उसके people are trying to say the line in their accent I think that's very very sweet and very heartening okay jaise ki trailer mein bataiye kafi alag avatar mein dikhai ja rahe hain ab iske bare mein thoda jana chahenge ha maine ek bahut hi acche designer jo yahan par hain as you can see you know maine unke kapde pehne hain it's basically indian textile day and you know sustainable fabric aur hame inhe bahut sara protsahan dena chahiye by wearing this stuff उनके कपड़े पहन के एंड इट्स नॉट जस्ट ओवर हियर क्योंकि हम लोग एक इवेंट पे आए आई थिंक हम लोग को यू नो हमारी निजी ज़िंदगी में भी पहनना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने टैलेंटेड लोग हैं और हम लोग जाके इंटरनेशनल ब्रांड्स का को यू नो एनकरेज करते हैं तो व्हाई कैन वी एनकरेज आवर ओन डिज़ाइनर्स लुक एट दिस ब्यूटिफुल हैंडमेड इट्स कम्प्लीटली हैंडमेड and you know ask her you know they go through so much and make all these things that then we want to go to another you know international store I'm not saying the international stores are bad but we have so much talent here hamare yahan pe itna talent hai to hame unko bhi encourage karna chahiye I think it's fab fabulous we are house of milk and we are From Tripti and I think it's very very quirky it's really cool and I love her motifs and the work that I'm asking you for the show I was super excited to go because I said it's something like it is sort of like my personal style it's quirky it's easy it's comfortable along with it has like a hint of something different that you've not seen before so thank you guys Good afternoon to all the members of media and all the ladies and gentlemen.
I'd like to congratulate our lovely designer, Sailesh Singhania. I really feel that he deserves a big amount of applause for creating such beautiful sarees. The reason why I said beautiful is because of the fabric which has been used. It's a hand-woven khadi material which has been used to create a real gold saree, as we all can see. And with the times, I think the entire youth and the youth of our country is kind of forgetting our tradition, the actual tradition of the fabrics of our country, which is khadi, Mahatma Gandhi's khadi. So I would say that hats off to him for bringing it right back. And I feel fabulous, I feel beautiful wearing this beautiful sari. So yeah, this is my very first time that I'm wearing something like this. So yeah, I was really happy wearing it. And it's also inspired by nature, which is something which is really, which connects with every single person. So congratulations, Sailesh. Thank you so much. Just wait, can you do some light things? Like, do you have any questions? See, sarees are very Indian. We wanted all generals to wear the sarees. So people who are following the trend is most of the European trend people are going on right now. We incorporated European trend as a blouses, which is very flowy, smart. And club sarees with it. We tried out a couple of things. I think it worked out really well for us. They are looking fabulous. And even in Europe with the sarees, they look fabulous. So they will also follow our trend right now. How you enhance the blouse? Actually, we made it really flowy. So we had to add filling and all, etc. for it. To make it look more, you could say, like Western. Okay, please look up. Are you? Yes. Just wait.